नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा और इस समय आप मुझे देख रहे हैं ऑन एक्सपोज इंडिया। बीते दिनों कालकाजी इलाके में हुई लूट के मामले में दिल्ली पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए दक्षिणी पूर्वी जिले के DCP रोमिल बनिया मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये लूट किस तरीके से हुई थी और ये पूरा मामला क्या था? ये इंसिडेंट 13 जून का है, जिसमें एक सीनियर सिटीजन कपल जो नेहरू इनक्लेव कालकाजी में रहते हैं, उनके घर में शाम को 8 बजे कुछ लोगों ने घुस के चाकू और बंदूक की नोक पे ज्वेलरी और कैश, जिसका टोटल सम करीबन 1 करोड़ है, उसको लूटा और दिल्ली से बाहर फिर पटना की तरफ रुख किया। पटना, मधुबनी और कुछ दिनों के लिए नेपाल में अपनी पोजीशन रखी पुलिस के निगाहों से बचने के लिए। तो मौके को देख के ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आई है, और वहाँ से वो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए कालकाजी थाने की पुलिस टीम ने इस केस में अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और ज्वेलरी की 100% रिकवरी है और कैश की 80-90% रिकवरी है। तो अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि है कालकाजी पुलिस टीम की कि एक ब्लाइंड केस को इतने बखूबी इन्होंने सुलझाया है। सर, जिन लोगों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है, क्या ये जो जिनके घर लूट हुई है, जिनके शोरूम में लूट हुई है, वो उनके जानकार थे या वैसे ही थे? इसमें से जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे वो एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं, 2-3 महीने काम किया, और एक तो इंसिडेंट होने के बाद भी 3-4 दिन तक काम करता रहा। तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन गई है और बाकी गैंग मेम्बर्स को इन्होंने इंक्लूड करके जो जिनको पैसों की ज़रूरत थी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को हैच किया और फिर इसको अंजाम दिया। सर, ये जो पूरी प्रॉपर्टी थी ये जिन्होंने लूट के बाद अपने पास ही रखी थी या दिल्ली में किसी के पास छोड़ के गए थे? इस प्रॉपर्टी को लूटने के बाद इन्होंने शमशेर नाम का आदमी, जो रूपेश मेन कॉन्स्पिरेटर है, उसको हवाले करी ताकि जब तक मामला ठंडा ना हो जाए, पुलिस टीम अगर रेड करने भी आए तो रिकवरी ना हो। लेकिन पुलिस टीम ने काफ़ी समझदारी से इंटेलिजेंस डेवलप करके लोकल एरिया पटना में शमशेर के बारे में पता लगाया और उसको ट्रैक किया और इवेंचुअली उससे पूरी रिकवरी करते हुए उसको गिरफ्तार किया। सर, ये जो एम्प्लॉय थे इन्होंने जिनके घर लूट हुई थी, इन्होंने इसका वेरिफिकेशन करवाया था किसी तरीका जिससे पुलिस को मदद मिल सके? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एम्प्लॉयज़ का वेरिफिकेशन करवाने की एक्सरसाइज जो है इस केस में जो है सीनियर सिटीजन ने नहीं की थी, और जिसमें शुरुआती दौर में एक पुलिस टीम को थोड़ी सी मुश्किल हुई कि जिन पर शक जाहिर हो रहा था उनकी आइडेंटिटी की, वो कहाँ रहते थे, किनसे मिलते थे, उन चीज़ों को इकट्ठा करने में 3-4 दिन का समय लगा। सर, एक आखिरी सवाल, जो लोग अपने घर में काम करवाते हैं सर्वेंट से या फिर अपनी शॉप्स पे काम करवाते हैं लेकिन वेरिफिकेशन नहीं करवाते, ऐसे में पुलिस उन लोगों से क्या कहना चाहती है? पुलिस, दिल्ली पुलिस का कई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं टेनेंट वेरिफिकेशन के, सर्वेंट वेरिफिकेशन के, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के, जिसमें समय समय पर कैंप्स लगाए जाते हैं, अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं, बीट स्टाफ भी जाके सभी लोगों से ये आग्रह करते हैं कि इसमें पूरे ज़ोरों शोरों से शामिल हों, क्योंकि अगर नहीं कराएंगे तो ना सिर्फ उनकी सिक्योरिटी पे खतरा है बट ऑल्सो एक बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी हैजर्ड है। कोई भी अनवेरीफाइड आदमी आके वहाँ रह सकता है, वो टेररिस्ट हो, मिसक्रिएंट हो, कुछ भी हो। तो ऐसे में हमारी यही रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, सर्वेंट हैं, टेनेंट्स हैं, उनका वेरिफिकेशन ज़रूर करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, इस मामले में केवल 7 ही लोग हैं या और भी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है? इसमें टोटल 8 लोग हैं जिसमें से 7 लोग की गिरफ्तारी हुई है, 1 है शख्स जो अभी बचे हुए हैं, पुलिस टीम जल्दी गिरफ्तार करेगी। तो ये दक्षिणी पूर्वी जिले के DCP रोमिल बनिया, इनका साफ तौर पर कहना है कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 1 अभी भी गिरफ्तारी से वापस है, लेकिन जो लोग वेरिफिकेशन नहीं कराते वो लोग वेरिफिकेशन करा लें ताकि पुलिस को इस तरीके से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दिल्ली से कैमरामैन राजू के साथ राहुल शुक्ला, एक्सपोज इंडिया। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय, एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।